अधिकतर लोग खर्राटे को एक साधारण प्रक्रिया समझकर टाल देते हैं, पर ये खर्राटे नींद से जुड़े डिसऑर्डर स्लीप एपनिया का लक्षण भी हो सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे गले का पिछला हिस्सा थोड़ा संकरा यानी नैरो हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन जब संकरी जगह से अंदर जाती है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं। इस वाइब्रेशन से होने वाली आवाज को खर्राटे कहते हैं। ये संकरापन नाक, मुंह और गले की किसी समस्या के कारण भी हो सकता है। उम्र बढ़ने, मोटापे, धूम्रपान और शराब के सेवन से स्लीप एपनिया की समस्या बढ़ती है, जिससे कई बार गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ लाइन। हेल्थ लाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01725043734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नींद से जुड़ी समस्याओं के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग से डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल। जी डॉक्टर अग्रवाल, आपका हेल्थ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले बात करेंगे स्नोरिंग यानी खर्राटे लेने की समस्या के बारे में। हर दूसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है देश में। क्या कहना चाहेंगे, ये आम बात है या फिर कोई तकलीफ है? क्योंकि जैसा अभी हमने फिल्म में देखा, उसमें भी कहा गया लोग आम बात समझ कर टाल देते हैं। ये आम बात भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर जैसा आपने बताया ये किसी और बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। आमतौर पर नाक में या गले में कोई रुकावट है तो उसकी वजह से खर्राटे आ सकते हैं। ये सिर्फ उसका लक्षण है जी। ये सिर्फ ये बताता है कि साथ में कोई और बीमारी भी हो सकती है जी। और इसके अलावा जो ज्यादा समस्या है वो जो व्यक्ति के साथ सोता है उसको ज्यादा है जी। कई लोग जैसे कोई खर्राटे ले रहा होता है तो कहते हैं बहुत थका हुआ है या बहुत थकी हुई है, इस वजह से खर्राटे आ रहे हैं। कितनी सच है ये बात? ये बात ज्यादा सच तो नहीं है, क्योंकि खर्राटे नींद की किसी भी स्टेज में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गहरी नींद में ही आए जी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक लक्षण है किसी और बीमारी का या किसी और प्रक्रिया का जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा थकान से या ज्यादा गहरी नींद में ही खर्राटे आएंगे जी। खर्राटे की समस्या क्यों होती है? खर्राटे की आपने बताया किसी और बीमारी का लक्षण हो सकती है, और कोई कारण भी हो सकता है? जनरली जैसे मोटापा है या सांस की नाली में या पूरे नाक से लेके और लंग्स तक की जो जगह है उसमें कहीं भी कोई रुकावट आएगी जी। उसकी वजह से हवा के बहाव में टर्बुलेंस या गतिरोध पैदा हो सकता है जी। जिसकी वजह से जैसा आपने अभी फिल्म में दिखाया कि वो टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन ही नॉइज पैदा करता है जिसको हम खर्राटे के तौर पर सुन पाते हैं। तो जनरली इस एरिया में कुछ भी रुकावट हो, अधिकतर जैसे मोटापे की वजह से जैसे चर्बी शरीर के बाकी हिस्से में जमा हो जाती है, वैसे ही गले के आसपास भी जमा हो सकती है, जिसकी वजह से ये पूरा पैसेज थोड़ा सा नैरो या छोटा हो सकता है। नाक में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नाक की कोई हड्डी बड़ी हुई है, पॉलिप्स हैं, या सिर्फ जुकाम की वजह से कंजेशन है, गले में टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं। सो ये कुछ आम तकलीफें हैं जिसकी वजह से बच्चे या बड़े लोग खर्राटे ले सकते हैं जी। कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी कुछ रोल है कि अगर माता पिता को ये प्रॉब्लम हो तो बच्चे को भी हो सकती है, ऐसा कुछ? कुछ हद तक हो भी सकता है, क्योंकि मोटापा भी अपने आप में एक जेनेटिक समस्या हो सकती है। अगर माँ बाप का वेट ज्यादा है तो नेचुरली बच्चों का वेट भी हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा हो सकता है। प्लस कुछ जो सांस की नाली है उसको उसकी टोन मेंटेन करने के लिए मसल्स एक्टिव रहते हैं जो सांस की नाली खुली रखते हैं जी। ये टोन कुछ हद तक जेनेटिकली चेंज हो सकती है जी। तो कुछ लोगों में ऐसी टेंडेंसी रहती है कि ये टोन नॉर्मल से कम है, उनको ये टेंडेंसी इसलिए रहती है कि सांस की नाली थोड़ी नैरो हो सकती है, स्पेशली जब वो सो रहे हों जी। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है खर्राटे लेने या स्नोरिंग की प्रॉब्लम, तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जेंडर का भी कुछ रोल है? जेंडर का कुछ रोल हो सकता है, हालांकि क्या रोल है ये हम साफ तौर पे नहीं समझ सके हैं अभी तक जी। कुछ लोग मानते हैं कि ये हॉर्मोन्स की प्रक्रिया की वजह से हो सकता है जी। या जनरली आदमियों और औरतों में जिस किस्म का फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसलिए मेल्स में ये गले के आसपास जो डिपोजिशन है ये फीमेल्स से आमतौर पे थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मेल्स में ये समस्या हम लोग ज्यादा देखते हैं। दूसरा ये भी है कि
मेल्स ज़्यादा तौर पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं अगर ऐसी कोई समस्या होती है, जनरली लेडीज नहीं जाती हैं, ये भी एक रीजन हो सकती है। जी, नॉर्मली लोगों में ये धारणा है कि अगर कोई खराटे ले रहा है तो बहुत गहरी नींद में बड़े मजे से सो रहा है, तो कितनी सच है ये बात? ये बात सच नहीं है, क्योंकि खराटे लेने का गहरी नींद से कोई खास संबंध नहीं है। ये बीमारी है, एक समस्या है, इसमें पेशेंट कंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा कि जरूर होगा जी। कुछ सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं जिसके साथ ये रिलेटेड रह सकता है, और उसमें जरूरी नहीं है कि ब्रेन पूरी तरह से सो रहा हो, तो ये कुछ सीरियस कंडीशंस की तरफ भी इशारा कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़े मजे से सो रहा है। जी, खराटे की समस्या बड़ी आम समस्या है, तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? कुछ लोगों को जिन्हें खराटे लेने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी जिन फैक्टर्स की वजह से है उनको दूर करके ही ये चीज हम ठीक कर सकते हैं। इसमें अगर जैसे मैंने बताया कि सांस के पैसेज में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको दूर कर सकते हैं, जैसे गले में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं तो उसका इलाज करके हो सकता है। इलाज, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयां वगैरह, दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स ले लिए या डीकंजेस्टेंट ले लिया, नाक की कोई हड्डी बड़ी हुई है तो उसका सर्जरी करके इसका इलाज कर सकते हैं। कुछ लोग जिनमें ऐसी कोई समस्या नहीं है उनमें हम कुछ और चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे जीभ के ऊपर तालू में कुछ हम उसको स्टिफ कर सकते हैं, या तो गर्मी से या कुछ स्ट्रिप्स डाल के। कुछ लोगों को खराटे सीधे पोस्चर में ज्यादा आते हैं अगर पीठ के बल लेटे हैं, तो अगर उनको हम कह सजेस्ट कर सकते हैं कि आप करवट लेके सोएं, तो काफी बार ऐसा करवट लेने से जीभ जो पीछे की तरफ गिर जाती है नींद में वो नहीं होता है, इससे गले के पैसेजेस खुले रह सकते हैं, खराटों में कमी आ सकती है। यानी करवट लेकर सोने से ये समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है, कुछ हद तक कम हो सकती है के मामलों में। इनफैक्ट इस समस्या के लिए एक बड़ा अजीबोगरीब तो नहीं लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग इलाज जरूर है कि आपके शर्ट के पीछे एक छोटा सा पॉकेट बना दिया जाए, उसमें एक टेनिस का बॉल रख देते हैं, टेनिस की बॉल। अच्छा, तो जैसे ही आप सीधे लेटेंगे पीठ के बल वो आपको चुभेगी, नींद में आपको एहसास नहीं होगा लेकिन आप करवट ले लेंगे। हाँ जी, तो आप और आप पूरी रात दाएं या बाएं करवट ही सोएंगे राधा देन सीधे से। हाँ जी, तो ये एक अच्छा तरीका है। हाँ जी, हमारी एक दर्शक है पटियाला से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी पूछी है। वो जानना चाहती है कि बाजार में ये नेजल स्ट्रिप्स काफी अवेलेबल हैं, बहुत इनकी टीवी पर एड आती है और उन्हें ये खराटे लेने की समस्या है, रुचिका जी को, तो वे जानना चाहती है ये नेजल स्ट्रिप्स कितनी कारगर है। ये नेजल स्ट्रिप्स में ये तो नहीं कहूंगा कि 100% कारगर है, कुछ लोगों में जिसमें जिनमें नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल स्ट्रिप सिर्फ ये करेंगे कि आपकी नाक को थोड़ा सा खींच के रखेंगे जिससे आपका जो नाक का पैसेज है वो थोड़ा सा खुला रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके खराटे का रीजन नाक में ही हो, वो नाक से नीचे गले में या सांस की नाली में भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को इससे फायदा हो, ये भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अच्छा फायदा हो। तो जनरली एज अ रूटीन हम ऐसा ही कोई चीज रिकमेंड नहीं करते हैं, पहले ये पता करें कि किस वजह से खराटे आ रहे हैं, जहां तक हो सके उस तकलीफ को ठीक करने की कोशिश करें। जी, यानी अगर किसी को खराटों की समस्या है तो उसे ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए कि कहीं ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। हाँ, स्पेशली अगर खराटे जोर से आ रहे हैं और रेगुलरली रोज आते हैं तो यानी क्या कहना चाहेंगे, खराटे की समस्या किसी बड़ी समस्या का रूप भी ले सकती है? बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, स्पेशली जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, इसमें जोर जोर से खराटे आना एक बड़ा कॉमन पॉइंटर है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जरूर जाना चाहिए। जी, स्लीप एपनिया के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नींद से जुड़ी एक ऐसी समस्या स्लीप एपनिया के बारे में जिसमें नींद के दौरान कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। हम बात करेंगे नींद के दौरान रुकावट पैदा करने वाली कुछ समस्याओं के बारे में। डॉक्टर अग्रवाल, हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कितने घंटे की नींद जरूरी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो? बच्चों और बड़ों में नींद का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा फर्क रहता है। इन जनरल बड़े लोगों को बच्चों के मुकाबले कम नींद की जरूरत होती है। हर व्यक्ति के लिए ये ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन जनरल मैं ये कहूंगा कि एडल्ट्स में लगभग 7 से 9 घंटे की नींद अगर मिल रही है तो वो सफिशिएंट रहेगी। और बड़े बच्चों में ये ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, परहैप्स 10 से 11 घंटे।
छोटे बच्चों में ये और ज्यादा होता है, आप देखिए जो नवजात शिशु होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरे दिन सोते रहते हैं। हाँ जी। तो जनरली 2-4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 10 से 15 घंटे तक भी अगर वो सो लें तो अच्छा रहता है। तो एक अडल्ट के लिए तकरीबन 8 घंटे की नींद, 8-9 घंटे की नींद अच्छी है। हाँ जी। अब डॉक्टर अग्रवाल हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में, जो कि आपने ब्रेक से पहले भी बताया, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है क्या ये? स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ी आम व्यूअर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताना चाहूंगा। नॉर्मली जब हम सोते हैं तो हमारा सांस की नाली के जो मसल्स हैं उनका टोन कम हो जाता है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। नॉर्मल लोगों में ये टोन इतना कम नहीं होता है कि वो सांस की नाली पूरी तरह से बंद हो जाए। हाँ जी। लेकिन कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि टोन बिल्कुल लगभग ख़त्म सा हो जाता है, सांस की नाली बहुत कम उसका जो है जो डायमीटर है वो बहुत रिड्यूस कर सकता है। जी। उसके अलावा जो मोटे लोग होते हैं जी। उनमें अगर यहाँ पे गले में या बाकी स्ट्रक्चर्स में चर्बी जमा हो जाए जी। तो उसकी वजह से भी ये इंट्रिंसिकली ये जो जगह है हाँ वो कम हो सकती है जी। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नींद के टाइम ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकती है। कुछ और जो फैक्टर्स होते हैं वो ये है कि अगर आपके फेस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, हड्डियां आपकी जैसे जॉ है ये थोड़ा पीछे की तरफ गया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा क्राउडिंग हो रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से जब आप सोते हैं और आपके सांस की नाली की मसल्स का टोन कम हो जाता है तो ये एकदम से बंद हो सकती है। बंद होने की वजह से आपका सांस रुक जाएगा। जब तक आपका सांस आ रहा है और ये थोड़ा सा नैरोइंग है, छोटा है, हाँ जी। तो हवा के प्रभाव जो बहाव है उसमें टर्बुलेंस की वजह से आपको खराटे आएंगे। हाँ जी। लेकिन जैसे ही आपकी सांस की नाली बंद होगी फ्लो हाँ बंद हो जाएगा, हाँ जी। आपके खराटे भी बंद हो जाएंगे। हाँ जी। लेकिन चूंकि कोई हवा आपके लंग्स में नहीं जा रही है हाँ जी। तो इसलिए खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। हाँ जी। खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद हाँ जी। आपके बॉडी के जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो एक किस्म से किसी भी आपत्तिजनक सिचुएशन में एक्टिव हो जाते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपको रिदम में थोड़ी हार्ट के रिदम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खून में ऑक्सीजन कम होने की वजह से ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए जो ब्रेन जो सो रहा है हाँ वो जाग जाएगा जी। जागते ही ब्रेन के जागते ही ये टोन जो है हाँ वो नॉर्मल हो जाएगी। हाँ जी। आपका सांस की नाली फिर से खुल जाएगी, हवा फिर से जाने लगेगी। जी। आपका ब्रेन तो जाग जाएगा लेकिन शायद आप नहीं जागेंगे। तो आपको तो लगे जो आपके साथ ही सो रहा है उसको शायद यही लगेगा कि आप सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका ब्रेन जाग चुका है। और ये साइकिल पूरी रात में कई बार रिपीट होगा, इनफैक्ट कई 100 बार या इवन 1000 बार भी ये रिपीट हो सकता है। जी। आपका ब्रेन थोड़ी देर सोएगा जागेगा, सोएगा जागेगा, पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी क्योंकि आपका दिमाग नहीं सोया है, जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे, दिन भर आपको नींद आती रहेगी। दूसरी जो इसके साथ समस्या हो सकती है वो ये है कि आपका जो रात भर ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा है, हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहा है, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सिर्फ सांस की ही नहीं, ये पूरे बॉडी को एक किस्म से अफेक्ट करने वाली समस्या है। जी, आपने बताया कि दिन में नींद आती रहेगी, तो ऐसे में अगर कोई दिन में काम कर रहा है तो क्या काम करने के दौरान भी नींद आती रहेगी? कोई काम कर रहे हैं, इनफैक्ट जैसे ड्राइव कर रहे हैं।